नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल समीर होम टेक। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यदि आपके एक मोबाइल में, एक स्मार्टफोन में नेट डाटा खत्म हो जाए तो हम दूसरे मोबाइल का उपयोग करके कैसे अपने मोबाइल में नेट चला सकते हैं। इसके लिए हमें मोबाइल हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ करना होगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। एक मोबाइल हॉटस्पॉट से मैक्सिमम 10 डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं और आपके पूरे 10 डिवाइस में नेट चल सकता है। इसके लिए पहले मैं आपको मेरे फर्स्ट वाले मोबाइल यानी सैमसंग में कुछ सेटिंग ऑन करके दिखाता हूँ क्या करना होगा, और उसके बाद दूसरे वीवो वाले में सेटिंग्स दिखाता हूँ आपको क्या करनी होगी। और आपका जो सेकंड मोबाइल है यानी वीवो का मोबाइल है जिसमें कि नेट नहीं चल रहा है, उसमें चलने लग जाएगा। चलिए हम देखते हैं ऐसा कैसे होगा। सबसे पहले हम क्विक मेन्यू को डाउन करके मोबाइल डाटा को ऑन कर लेंगे। ये मैंने लेफ़्ट अपर कॉर्नर पर रखा हुआ है। उसके बाद हम मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसके थोड़ा नीचे रखा हुआ है। मोबाइल हॉटस्पॉट पे अंदर जाने के लिए हम होल्ड करके रखेंगे, फिर हम इसके अंदर जाएंगे। इस जगह पर हमें ऊपर एंड्रॉयड एपी 1B55 दिख रहा है जो कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम है। अब मैं इस डिफ़ॉल्ट नेम को चेंज करके समीर सैमसंग कर दे रहा हूँ। आप भी अपने फ़ोन का अपने पसंद का नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। इसके बाद यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ है। ये पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इस तरह का लिखा जाता है। पासवर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होना चाहिए। अब हम इसे चेंज करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर देंगे। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के पर्पज़ से पासवर्ड ईजी कर दिया है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे मोबाइल में कि इसमें हमें क्या सेटिंग्स करनी होगी। इसके बाद मैं वीवो मोबाइल में क्विक मेन्यू को ओपन करूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा नेटवर्क और वाईफाई दोनों ऑफ है। ये देखिए, और ये देखिए हमारा जो YouTube है इसमें भी आपको नीचे नो कनेक्शन दिखाई देगा। इस वक्त कोई भी नेट चालू नहीं है यहाँ पर। अब हम वाईफाई को ऑन कर दे रहे हैं। वाईफाई की बटन को होल्ड करने पर हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर देखिए जिस जगह पर चूज़ आ नेटवर्क लिखा हुआ है वहाँ पर समीर सैमसंग लिखा हुआ है। इसको दबाकर हम अंदर जाएंगे और यहाँ पर पासवर्ड इनपुट करेंगे, वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला। इसके बाद यहाँ देखिए राइट का निशान आ चुका है, मतलब कि इसने नेटवर्क कनेक्ट कर लिया है। ये देखिए YouTube ऑनलाइन हो गया है, इसमें नेट चलने लग गया है। ये देखिए YouTube लोड हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर समीर सैमसंग लिख के आ गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हॉटस्पॉट और वाईफाई का यूज़ किया जाता है, और इसके द्वारा आप एक ही नेट कनेक्शन से दो मोबाइल या उससे भी ज़्यादा चला सकते हैं। यदि ये चीज़ आपके लिए नई हो और आपको ना आती हो तो आपके घर में दो स्मार्टफोन होंगे, उसमें आप ये चीज़ करके देख लीजिए। प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपको बनने लगेगा, ये बहुत ही ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज आपने एक नई चीज़ सीखी होगी। ये देखिए हमने वाईफाई को दबा के ऑफ़ कर दिया है तो यहाँ पर नेट चलना बंद हो गया है। ये देखिए अब यहाँ पर ये लिख के आ गया है, योर ऑफलाइन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।